कोक ब्रांड मत लेना यार। आओ पहला कलर देखो कैसे निकला, दूसरा कहाँ गया, वो देखो कलर देखो मल्टी, ये देखो ग्रीन, ये देखो, ये देखो ओ ग्रीन, ये देखो ये चल रहा ना काम, ये दिल खुश तो ये कर रहा है ना ना, ये देखो। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो वो नॉलेज पर्पज है, मैं पहले बता दूं ये मेरी मतलब की वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं था, पर आज शादियों के सीजन है तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट स्काई शॉट कौन सा है। जो है 30 मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई हम कोक ब्रांड लेंगे बढ़िया चलता है, पर मुझे जो है 30 अच्छा नहीं लगता। जो है 30 ले लो, जो है 60 ले लो, जो है 120 ले लो, जो है 150 ले लो, 200 ले लो, जितना मर्जी ले लो, जो है का मतलब ये है कि तुम्हारा कट गया। ये देख रहे हो ना जो बनाया इन्होंने, अब नोट करना मैं पहले यही चलाऊंगा कोक ब्रांड का चलाऊंगा, उसके बाद ये चलाऊंगा, दोनों 30 स्काई शॉट है ठीक है। और प्राइस का काफ़ी डिफरेंस रहता है, अगर प्राइस की बात करते हैं तो इसके जो ऊपर जो एमआरपी है उसके लेस के हिसाब से मिलता है, जैसे 15% 20% ये ऐसे अलग अलग मिलता है, 50% लेस मिल जाता है। अगर 50 भी मिलता है तो ये आपको 750 रुपये के आसपास मिलेगा ठीक है, तो 50 तो बहुत मुश्किल ही मिलता है, अगर मिल जाए तो भी बेटर है, नहीं तो 20% 15% आजकल मिलता है, नहीं तो 25 ज़्यादा 30 ठीक है। तो ये देख लो, ये आपको 800 रुपये के बीच में और 600 रुपये के बीच में और ये आपको 1000 रुपये के बीच में, अगर 1000 रुपये का ही मिलता ना तो इससे कई गुना बेटर मुझे ये लगता है ठीक है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट किया हुआ। और ये भी चलाया था मैंने 240 शॉट चलाया था, मैं बोर हो गया था इसको चला के ठीक है, अगर इसका 240 भी चलता तो मल्टी कलर अच्छे लगते हैं। चलो फिलहाल टेस्टिंग करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, किसी की भी शादी है आप इंजॉय कर सकते हो, कौन सा आपको बेस्ट लगा कमेंट करके बताना। #1 जोया, #2 ये कौन सा है, ये कौन सा देवी काश कंपनी का, ये ठीक है नाम गलत हो रहा है सॉरी, आप पढ़ लो खुद ही ये क्या लिखा है। और ये कोक ब्रांड तो खैर पता ही है सबको ठीक है, पार्टी नाइट है तो चलो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको चलाएंगे, जल्दी जल्दी से ओपन करते हैं, मनीष ओपन करते हैं एक बार, चल नहीं जल्दी जल्दी इसको ओपन करने वाला, ओ कुछ है नहीं, नीचे उल्टा कर पहले, सबसे पहले खोलना क्या है, इस टेप को हटा पहले जल्दी जल्दी, वो उससे वो ओपन नहीं हुआ, मैंने ये ओपन कर दिया, तो ये देखने में कुछ ऐसा है 30 का छोटा है, ये देखो ये देखो ये है कुछ ऐसे, ये है कुछ ऐसे, पैकिंग इसकी पाड़ के दिखाएंगे कुछ ये अंदर से कैसे होगा, इसको पाड़ेंगे, पैकिंग इनकी कोकोलो की अच्छी होती है ये देखो। और दो फ्यूज़ इसलिए दिए होते हैं ताकि एक फ्यूज़ बाई चांस ना काम करे तो दूसरा फ्यूज़ काम कर जाए, ये नहीं है कि दोनों फ्यूज़ को आग लगा दो, आपकी मर्जी, अगर आपने टाइमिंग कम करनी है तो आप कर सकते हो ठीक है। अब देखते हैं, पहले का एक्सपीरियंस मेरा गंदा रहा है इसके साथ इसलिए मुझे अच्छा नहीं है, तो अब के एक्सपीरियंस में देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर चलता है ठीक है। आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और पाड़ते समय आराम से पाड़ना, और इस फ्यूज़ को कोशिश करना कि इसको थोड़ा पीछे ही कर दो ताकि इसको आग ना लगे, तो हम इसको आग लगाएंगे। तो अगर शेल्स की बात करते हैं तो इसके जो शेल है वो मोटे है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है ठीक है, और इसकी पैकिंग थोड़ी ऐसी है, पर टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कौन सा बेस्ट है, क्योंकि मैंने जब पहले चलाया था मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, कसम से नहीं अच्छा लगा, आज के देखते हैं कैसा लगता है। हम कोक ब्रांड का चलाने के लिए मनीष तैयार, आग लगा दे, इसको आग लगाने में बहुत जाने में बहुत टाइम लगेगा, लाइट बंद कर देते हैं। कोक ब्रांड का जोया 30, अब दिल खुश करता है ये या दूसरा, अब देखते हैं अच्छे से शूट करने की कोशिश है, देखते हैं होता क्या है। तो अगर आपको कोई भी अच्छा लगा कमेंट करके बताना, मैंने पहले पिछले साल का मैंने इसकी टेस्टिंग की थी तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था, नहीं चलने में बड़ा टाइम लगा दिया इसने, हम थक गए बहुत ज़्यादा थक गए, चल जा भाई जाएगा जाएगा फिर जाएगा अंदर। और कोक ब्रांड का जो मैंने पहले टेस्ट किया था ना जो 240 था, उसमें सीन ये था कि उसमें बीच में चला ही नहीं था, ये गया ऊपर, ये एक दो, कलर देख लेना कौन कौन सा कैसा निकला, देखो फूका गया धोखा, ये तीन दो गलत गए, गोल्डन दो बार तीन बार निकल गया, ये सेम ये कोका, ये फूका, ये देखो सेम ही निकल रहे हैं, दिखाया कुछ और बेचा, ये एक अलग हुआ, ये लगता है 10 का एंगल, ये हाँ फटा, मोस्टली कलर देखो इसका सेम ही निकल रहा है, गोल्डन और सिल्वर निकला है, और ये तो पबजी में निकलता है, ये निकला ये पिंक सा था थोड़ा सा हल्का सा ना, ये ब्राउन सिल्वर सा कला, मोस्टली सारे एक जैसे ही है, ये तो फोका कला पटाखा था इसमें,
पटाखा निकला, अब ये खिल रहा। अब सोचो इसका 60 शॉट भी ऐसा है, 120 भी ऐसा ही है। ये पिंक था, खत्म, लास्ट का ये था। तो नहीं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मैं भाग के जा रहा हूँ। चलो 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 चलो, देखो एकदम ऑनेस्ट हम रिव्यू देते हैं, ऐसे फालतू रिव्यू नहीं देना। ये सारे चल चुके हैं देखो, पर मुझे इसमें मोस्टली आपने चेक किया होगा, इसका डब्बा दिखाता हूँ मैं आपको कि इन्होंने दिखाया क्या और था क्या। आप नोट करना, इन्होंने इसमें ग्रीन डाला था, ग्रीन है नहीं, ठीक है। इसमें ये वाला निकला, ठीक है, और ये वाला निकला। इन्होंने मल्टी भी दिखाए थे, ये सारे निकलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक नॉट लाइक। अब देखते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं, ये वाले की, ठीक है, पार्टी नाइट की। तो चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसका जो फ्यूज़ है मैं वो भी दिखाता हूँ। चलाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना आपने कि नीचे वाला सर्विस है वो एकदम बढ़िया है, सीधा होना चाहिए, ठीक है। चलो उसको निकाल के चला रहे हैं, वैसे डब्बे में चला सकते हैं एज यू विश, ठीक है। तो आग लगाने के लिए तैयार है। ये 60 है, गिरेगा तो नहीं, ओके। इसके भी दो फ्यूज़ है, एक इधर है एक इधर है, ये देखो यहाँ छुपा हुआ रुस्तम, ठीक है। तो चलो आग लगाते हैं फिलहाल, अब इसको देखते हैं कैसा लगता है। इसको लग गई आग, बड़ी तेज जा रही है, आराम से जा, हमें भागने का टाइम दे, भागो जल्दी भागो, शूट सही करना। अब देखना इसमें नोट करना कलर कौन कौन से निकलते हैं, ठीक है। कोक ब्रांड मत लेना यार, आओ पहला कलर देखो कैसे निकला, दूसरा खा गया, वो देखो कलर देखो, मतलब ये देखो ग्रीन, ये देखो, ये देखो ओ ग्रीन, ये देखो ये चल रहा ना काम, ये दिल खुश तो ये कर रहा है छठी ना ना, ये देखो। अब देखो कोक बढ़िया था, ये बढ़िया था, कमेंट करके बताना भाई क्या परसेंटेज करनी है। ये देखो वो रेड कितना अच्छा लगा, पहला वसूल है इसमें, चलता अच्छा ये, ओ वे मल्टी कलर था, ये रेड ग्रीन स्पार्कल गोल्डन वाली, ओ दो ओ गोल्डन, चल 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 चल, वो हो गया बूम। ये भी मल्टी ग्रीन और गोल्डन था, ग्रीन और गोल्डन है ग्रीन, ये देखो ये दो एक साथ फिनिश है। फ्यूज फ्यूज देखो, लास्ट वाला फ्यूज चल रहा है, सारे चल गए। तो फ्रेंड्स मज़ा इसमें आया। अब देखो जो लास्ट दो फ्यूज होते हैं, एक फ्यूज का अगला लगानी होती है, कहीं को पता ही नहीं, दो फ्यूज को लगाते हैं। देखो लास्ट का फ्यूज अब फिनिश हुआ, ठीक है। तो अब दिल पे हाथ रखे मुझे बताना, देखो ये एकदम इसके ऊपर सिर मत करना, क्योंकि अब देखो काले काले दिख रहे हैं, इसलिए मुझे पता कि ये सारे चल चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं है पर चलने में अच्छी थी, ठीक है। अब आ जाओ, अब रिव्यू दो। इस पर ज़्यादा पैसे खर्चने बेटर है, इस पर कम पैसे खर्चने बेटर है भी बेटर। अगर आप मेरे से क्रैकर्स लेते हो तो मैं क्रैकर्स गया, मेरे से अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो, जैसे मेरे मोबाइल की शॉप है, आप एक्सेसरी लेते हो, जो चीज़ आपको आपके हिसाब से जो शूट करेगी मैं वही चीज़ बेचूँगा, जो नहीं करेगी मैं आपको साफ मना करूँगा। आज मुझे किसी का फ़ोन आया था कि हाँ भाई हमने शॉर्ट्स लेने हैं, कौन से लें, जो आपको कोक के क्या दूंगे। तो एग्जांपल ये है, मैं 50% शूट नहीं दे सकता, मैं 20 25 15 इसके बीच में ही दे सकता हूँ, पर मैं आपको सही चीज़ बेचूँगा कि कौन सी बेस्ट रहेगी आपके, जो क्योंकि मैंने टेस्ट किए, मैंने खुद चलाई हुई है। तो मैं बोलूँगा मुझे लिए ये मिट्टी है, ये मैं ले तो आया था क्योंकि लोग नाम से ही खरीदते हैं, खासकर जो रिचेस्ट पर्सन है, हम गरीब पर्सन है पर हम इसमें बहुत खुश हैं। इसको आप कसम से दिल से हाथ रख के कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। ये अच्छा लगा जो सारा एक जैसा ही चला है, और ये अच्छा लगा जो मल्टी कलर चला और बहुत ही अच्छा चला। तो करें वीडियो का एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स फाइनली स्काई शॉट का आपका क्या ओपिनियन, मुझे कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से मुझे जो दूसरे वाला है ना वही अच्छा लगा, और उसमें जो चला ना बल्कि वो दिल खुश करने वाला वही था। अगर आप जैसे न्यू ईयर हो गया, मैरिज हो गई, तो इसमें आई थिंक मुझे लगता है अब आप शॉर्ट चलाते एक जैसे चलता रहता तो थोड़ा सा ऑर्डर लगता ना। कोक ब्रांड में देखो उसमें उन्होंने क्या दिखाया, ग्रीन ग्रीन कोक में एक भी नहीं निकला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोक से बेटर अदर जो स्काई शॉट है वो ज़्यादा बेटर है। जोया 30 जो है मुझे जोया सीरीज नहीं लगी इनकी अच्छी, थू। बाकी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ये एक इंजॉय नहीं थे, ये एक नॉलेज पर्पस था, क्योंकि मैं आज मुझे जिनका फ़ोन आया था ना उन्होंने जोया के बारे में पूछा था, तो मुझे
उनको समझाने की बेटर, आप सबको दिखाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मोस्टली हर कोई मैरिज में बजाता है या न्यू ईयर में बजाता है। तो आप कोक को छोड़ के अदर ब्रांड में एक बार ट्राई करो, अदर्स में भी देखना पड़ता है कौन सा अच्छा है कौन सा महंगा है। कि कहते हैं वहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ महंगा मिल रहा है, जितना आप चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये बात याद रखना। मतलब कि कोई चीज़ आपको महंगी मिले उसके बदले ये नहीं है कि वो ज़्यादा बेटर होगी, वो पता भी चल जाता है कि कैसा है कैसे नहीं है। मेरे पास एक स्काई शॉट है, मैं आपको दिखाऊंगा वो है। अगर आपने मेरी वीडियो में कभी देखा हो ना, ग्रीन सा स्काई शॉट है, वो स्काई शॉट अच्छा नहीं है, वो सस्ता है, इसीलिए मैं उसको सस्ता बेच रहा हूँ। पर मुझे वो बहुत महंगा मिला और जिस रेट में मिला मैं उसी रेट में बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के ज़्यादा पैसे खराब हो। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। बाद में कहेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, कैसे खरीदना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर वन इंडिया की एप्लीकेशन है वज़ीर एक्स, जिसकी फ़ीस बहुत कम है, आप उसको डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, साइनअप। साइनअप करोगे सबसे पहले मेल डालने या फिर पासवर्ड, फिर पासवर्ड, फिर लिखा आएगा रेफर कोड, वहाँ पर आप डाल सकते हो 686YNTHQ। उसके बाद आपको मेल आएगा वज़ीर एक्स की तरफ से, उस मेल को वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद आपको वापस ऐप में आ जाना है। एप्लीकेशन में आके खोलोगे तो आपको फ़ोन नंबर डालना है जो कि आपका आएगा वेरीफिकेशन करते ही, वहाँ पे आपको डालना है 686Y, ये मैं अपना रेफर कोड बताने लग गया। वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है, OTP आएगा, उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपको UPI वेरीफाई करके पैसे ऐड कर सकते हो 100 रुपया। उसके बाद आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, 100, 50 जितने का भी खरीदना खरीद सकते हो, आपकी मर्जी। बिटकॉइन खरीदना, एथेरियम खरीदना, डोज खरीदना, जो खरीदना खरीद लो, पर स्टडी करके खरीदना तो बेनिफिट रहेगा। तो बस आज के इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। दिवाली तो निकल गई है, अब क्या कॉन्सेप्ट बनाऊंगा ये मुझे पता नहीं। फिलहाल पटाखों का कॉन्सेप्ट मेरे पास बहुत पड़ा है, अभी मुझे लार बनानी है। एक भाई बहुत कमेंट करता है कि 777 ग्लास में डाल के चलाओ, वो भी मुझे चलाना है। उस भाई का कमेंट है, भाई ने बहुत कमेंट किए हुए हैं, हालांकि टेक्निकल लवली मेरे चैनल पर जाके गया, वो भी देखने। तो बस आज के इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, बाकी थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। Bye.